टेबल है एचआर डॉट एम्प्लॉईज का, उसके 11 कॉलम्स हैं। अगर आपने यहाँ स्टार लिख दिया होता तो फिर उसका क्या मतलब होता है कि 11 वेरिएबल्स यहाँ होते और 11 वेरिएबल्स यहाँ होते। ठीक है, एचआर डॉट एम्प्लॉईज के साथ आप ये काम करना चाहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ कर्सर यू नॉट श्योर कि आपके पास कितने कॉलम आपको चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगे, एंड विद इन द कोड आप बताना चाहते हैं कि उनमें से चलो ये कॉलम ठीक है बाद में चाहिए होंगे। तो उसका तरीका ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे अगर 11 कॉलम्स आते हैं तो फिर उसके 11 वेरिएबल्स यहीं पे बनाए जाएँ, ठीक है, और फिर यहाँ बार बार 11 वेरिएबल्स लिखे जाएँ कि उनके अंदर फेच करो, ठीक है, एंड उसके बाद इनमें से सर्टन वेरिएबल्स को प्रिंट करें, सर्टन वेरिएबल्स को ना करें। इसका एक और तरीका है, वो क्या है कि हम रिकॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अपना रिकॉर्ड बनाएंगे, फिर मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी कि एक टेबल के रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैनुअल रिकॉर्ड बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ टाइप लिखेंगे, टाइप एंड रिकॉर्ड का नाम मैं इसे कह देती हूँ ये रिकॉर्ड है मेकर्स के लिए। ठीक है, एंड देन आपने लिखना है इज रिकॉर्ड। ठीक है, इज रिकॉर्ड इज की जो चीज़ फिक्स रहेगी, ठीक है, हर दफ़ा, और यहाँ स्टार्ट करें और यहाँ एंड कर दें इस रिकॉर्ड के अंदर, एंड ये जो कॉलम्स डाले हैं इसकी जगह कॉमा आ जाना चाहिए। ठीक है, हुआ क्या है कि यू कॉमा नहीं, सॉरी सेमी कॉलन यहाँ तो रहेगा। अच्छा, और यू डन इसके आपने जो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको ग्रुप कर दिया है। ठीक है, और एक ग्रुप के अंदर डाल दिया है, इट्स मोर और लेस लाइक क्लास जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो रिकॉर्ड क्या कर रहा है, वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ग्रुप के अंदर डाल देता है, और उस ग्रुप का क्या नाम है कर मेकर्स, सॉरी ये कंट्री नंबर रह गया, इसे भी अंदर डाल देते हैं कॉमा के साथ। ठीक है, अच्छा, जब ये काम कर लिया देन आप इस रिकॉर्ड को इस्तेमाल कैसे करेंगे, इससे क्या होगा कि रिकॉर्ड एटलीस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप इसे बनाना चाहती हूँ मैं R1 एंड इसे कह देते हैं रेक मेकर्स। ठीक है, इसकी टाइप क्या है रेक मेकर्स, और फिर आप क्या कहेंगे जब फेच इनटू पे आप इतने सारे वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं तो उसकी जगह पर सिर्फ R1 लिख देंगे। ये कैसे है, जैसे आपने कोई रेफरेंस बना दिया किसी क्लास का। ठीक है, इस वक्त आपने क्या किया था, एक क्लास बनाई थी और फिर आपने क्या किया एक रेफरेंस बनाया इस टाइप का। इस R1 के पास क्या क्या है, एक वेर आईडी है, एक वेर मेकर है, एक फुल नेम है और एक कंट्री है, ये चार वेरिएबल्स उसके पास मौजूद हैं। आपने क्या कहा है कि ऐसा करो जो चार कॉलम ये उठा के लेके आएगा उन चार कॉलम को इसी ऑर्डर के अंदर इन वेरिएबल्स के अंदर डाल देना, लेकिन सिर्फ R1 के लिए। ठीक है, अगर R2 के लिए कहेंगे तो R2 अलग होगा। अच्छा, देन आ जाती है बात कि मैं प्रिंटिंग कैसे करूँगी। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा कि आप R1 डॉट लिखेंगे, क्योंकि वो R1 के अंदर है। ठीक है, R1 डॉट R1 का वेर आईडी प्रिंट हो जाए, ठीक है, R1 का वेर मेकर प्रिंट हो जाए और R1 का फुल नेम प्रिंट हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ R1 का कंट्री प्रिंट हो जाए। ठीक है, बात वही रही है, आपने इस इंस्टेंस में से आप इस दफ़ा निकाल लें और बाकी काम जो आपका आसान हो गया है। सपोज़ करें अगर यहाँ यहाँ 11 11 कॉलम्स आते होते तो 11 वेरिएबल्स आपको यहाँ बनाने पड़े हैं, लेकिन एक ही दफ़ा बनाने पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मे बी आप चाहें कि मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे दो कॉलम चाहिए, उसमें से जो जो कॉलम चाहिए से वो आप लिख देंगे। एंड उसके अलावा क्या फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पे दोबारा से 11 वेरिएबल्स के नाम नहीं लिखने पड़े और ना ही उनके ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस ऑर्डर में है किस ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा उसका ख्याल रखेंगे कि वो किस ऑर्डर में रिकॉर्ड में डालने हैं आपने। अच्छे से रन करते हैं। ठीक है, वही काम कर रहा है, दो कॉलम सिर्फ, लेकिन क्योंकि मैंने एडिट कर दिया से दो कॉलम प्रिंट कर रहा है, लेकिन रिकॉर्ड्स के साथ कर रहा है इस दफ़ा।